बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ निगरामी, अय्याम अज़ा चल रहे हैं, अभी चेहलों में नहीं हुआ है। हमारी कौम के जो अपनी तहजीब के लिए, अपने अनुशासन के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपने अदब के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने अखलाक के लिए, अपनी रवादारी के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी, फेमस थी, आज सोशल मीडिया पर जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, इल्ज़ाम और बहतान तराशी के जो दौर चल रहे हैं, वो आप सब के पेश नज़र हैं। इन अफराद को ये भी ख्याल नहीं कि अभी अय्याम अज़ा के दिन चल रहे हैं, अभी चेहलों भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे गुज़श्ता के उलमा जो लखनऊ के हैं और जो लखनऊ के गुज़र चुके हैं, क्या उन्होंने ऐसे ही कौम की तवक्कु की थी? क्या सरकारें अकाए शरीयत मौलाना कलबे आबिद साहब मरहूम ने ऐसी ही कौम की तवक्कु की थी? क्या डॉक्टर कलबे सादिक साहब मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो कुर्बान की कौम की खिदमत के लिए, उनका मकसद ऐसी ही कौम की परवरिश करना था? क्या सरकार नासिरुल मिल्लत ऐसी ही कौम को देखना चाहते थे, या जो दीगर उलमा थे वो ऐसे ही कौम को देखना चाहते थे? यानी तो मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि हमारी कौम में इस कदर मजलिसें माशाल्लाह होती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखें कि अदब से दूर होते जा रहे हैं, शाइस्तगी से दूर होते जा रहे हैं, तहजीब से दूर होते जा रहे हैं, और सब अपने को हुसैनी कह रहे हैं, सब अपने को शिया कह रहे हैं। ये शिया हैं, ये हुसैनी हैं। जो हुसैनी हैं उनकी क्वालिटीज़ और सिफात, और जो शिया हैं उनकी सिफात और क्वालिटीज़ अगर पढ़ी जाएं तो हम में से बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे कि जो हकीकी मानों में शिया हैं। बहरहाल जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं इस इंतज़ार में था कि हमारे कोई बुज़ुर्ग आलिम दीन बोलें, लेकिन उनसे भी मुझे शिकायत है कि सब कुछ होता रहता है लेकिन वो सब खामोश तमाशाई बने देखा करते हैं। वोट कर अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अभी तक मर्द इन्वॉल्व थे और अब घर की जो ख्वातीन हैं उनको भी इस जंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है। एक मशहूर न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप किसी को बुरा कहेंगे तो बदले में आपको भी बुरा कहा जाएगा, जब आप किसी पर हमले करेंगे तो बदले में आप पर भी हमला किया जाएगा। लिहाजा मेरी तमाम फरीकैन से गुजारिश है, तमाम पार्टी से गुजारिश है कि खुदा के लिए सोशल मीडिया सिर्फ शिया नहीं देखते, सोशल मीडिया सिर्फ मोमिनी नहीं देखते, बल्कि गैर कौम वाले भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी देखते हैं। वो ये सब देख कर किस कदर यानी खुश होते होंगे कि इनके कौम में किस कदर बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, किस कदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस कदर झगड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो ये मातम कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना मना रहे हैं, सफ़र का महीना मना रहे हैं, और दूसरी तरफ इतनी बदतमीज़ियाँ, इतनी गंदी ज़बान, इतनी फोहश ज़बान। तो मेरी गुजारिश है कि खुदा के लिए इन वीडियोस पर लगाम लगाई जाए। आपको अपनी बात करना है तो आप किसी बंद कमरे में करें, और नए नए लोग आ रहे हैं और नए नए वीडियोस वो भी जारी कर रहे हैं, इनके कैरेक्टर से पूरी कौम वाकिफ़ है। तो मेरी गुजारिश है कि चेहलुम के इस महीने का और अय्याम अज़ा के दो महीने 8 दिन का लिहाज रखा जाए, वरना मैं अपील करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, और सख्त अपील करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे पेश नज़र कौम की इज़्ज़त और वक़ार सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी थी। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ, लेकिन फिर मैं अपील करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा, और दीगर उलमा से जो मुखलिस उलमा हैं, जो पढ़ लिखे उलमा हैं, उनसे मैं रब्ता करके कोई लाए अमल तैयार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इसकी नौबत ना ले दीजिए, और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए। अगर कोई इख्तलाफ है तो वो सोशल मीडिया पर आने से हल नहीं होता। कौन सा इख्तलाफ हल हो गया 15 साल से या 10 साल से ये सब बहसें जारी हैं? एक इख्तलाफ भी हल नहीं हुआ, सिर्फ लड़ाइयाँ, झगड़े, एक दूसरे की इज्जत उछलना, एक दूसरे की नामूस पर हमला। अब लखनऊ में यही मुकद्दर बनकर रह गया है। लेकिन जब तक मेरी जान में जान है तो मैं तो खामोश नहीं रहूँगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम का जो वक़ार था, जो इज़्ज़त थी, वो बरकरार रहे, और इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देना पड़े हम दरेग नहीं करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, और कौम के ये अफराद जो हैं ये ठंडे दिमाग से काम लेंगे। मेरी सबसे गुजारिश है, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे वो मेरे अजीज़ हों, और चाहे वो कौम के दूसरे फर्द हों, कि ठंडे दिमाग से काम लें और कौम की इज़्ज़त और वक़ार को प्रायोरिटी पे रखें। इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही क़ुव्वते बर्दाश्त की कमी रही तो फिर खुदा न खास्ता, ये भी तो ये बहसें हो रही हैं, और खुदा न खास्ता आगे चलकर ये खून खराबी की नौबत ना आ जाए। लिहाजा अल्लाह
ऐसे माहौल से दूर रखे और उस दिन से दूर रखे। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।